दें कि स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी करने और ठेका प्रथा दूर करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य भवन के बाहर बड़ी संख्या में डिप्लोमाधारी पैरामेडिकल स्टूडेंट और बेरोजगार एकजुट हुए, जिन्होंने सरकार को ज्ञापन देकर पीपीपी मोड को हटाने, प्रक्रियाधीन भर्ती 2020 को पूरा करने, एनजीओ एमएनजेवाई ठेका प्रथा और यूटीबी भर्ती को समाप्त करने, पैरामेडिकल के कैडर निर्माण करने की भी मांग की। इसके अलावा शहीद स्मारक पर कोरोना काल में कोविड जांच में लगे कर्मचारियों ने भी पुनः लगाने की मांग को लेकर धरना दिया। सरकार द्वारा कोरोना काल में जिलों में कोरोना जांच लैब में प्रशिक्षित कर्मचारियों को यूटीबी पर लगाया गया था, जिन्हें 31 मार्च को हटा दिया गया, जिसके विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति कोविड जांच कर्मचारी संघ के बैनर तले धरना दिया जा रहा है। शहीद स्मारक पर एएनएम भर्ती 2018 की प्रार्थियों द्वारा नियुक्ति की मांग को लेकर भी धरना दिया जा रहा है। आपको बता दें कि भर्ती में 1041 प्रार्थियों का मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण नियुक्ति रोक दी गई थी, जिस पर कोर्ट के फैसले के बाद नियुक्ति की मांग की जा रही है, लेकिन विभाग से अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई न करने पर आक्रोशित महिला प्रार्थियों ने बीते 15 दिन से यहां पर धरना दे रखा है। स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से घोषणा के बावजूद भी अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। इस चक्कर में कई छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं, रजिस्टर्ड छात्र हैं, यहाँ पे यूटीबी पे काम करवा रहे हैं, जब कोविड के अंदर काम किया उसके बाद में इन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। इस पीपी मोड का बहिष्कार होना चाहिए। राजस्थान के अंदर हर एक हॉस्पिटल प्राइवेट क्षेत्र के हाथ में जा रही है, जिससे राजस्थान में अध्ययनरत गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस जो मूल निवास आरएचएस और आरपीएमसी रजिस्टर्ड अभ्यर्थी हैं उनको नुकसान हो रहा है, और ये गवर्नमेंट यूटीबी पे 8-8 हज़ार में काम करवा रही है। एक नॉर्मल बंदे को भी 500 रुपये, एक कर्मचारी को जब धंधे पे काम करता है तो 500 रुपये मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 300-300 रुपये में 8 हज़ार में एक पैरामेडिकल का छात्र बेरोजगारी मतलब 8-8 हज़ार में काम कर रहा है, तो इस वजह से सब परेशान है। सबसे पहले तो मैं A1 TV चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमारी इतनी पीड़ित महिलाओं की और 1041 भर्ती जो हमारी कोर्ट में क्लियर होकर के आई है, उन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का काम करती है। 2018 के अंदर सरकार ने एक एएनएम की भर्ती निकाली थी, जिसके अंदर हमारे को हमारे फॉर्म भरवा लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, और हमें जो पोस्टिंग के टाइम हमें होल्ड पर रख दिया, और अभी हमारी जो सीट है वो विभाग के अंदर सुरक्षित है 1041 लड़कियों की, और हम यहाँ पे 15 दिन से धरने पे बैठे हैं। हमारे बीच में 5 बहनें हैं, वो SMS हॉस्पिटल में एडमिट भी है, और बहुत गरीब घर से हैं, डूंगरपुर भरतपुर की लड़कियाँ बहुत ही गरीब घर से हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ धूप में बैठी है, और हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय दें, हमें ज्वाइनिंग दें। मेरा नाम ममता मेघवाल, हनुमानगढ़ से। जो 2 साल पहले जो देश में कोरोना महामारी आई थी, जिससे आम व्यक्ति परेशान था, तो पूरे राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में इस तरह के वायरस का रिसर्च करने में कोई इसी तरह की अपने भारतवर्ष में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, राजस्थान में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, और इस तरह के रिसर्च स्टाफ नहीं थे। तो पूरे भारतवर्ष में इस महामारी से बचने के लिए कोरोना की अधिकाधिक जाँचें हो सके, उसके लिए उन्होंने सभी राजस्थान में, सभी अलग अलग जिलों में इन्होंने कोविड लैब की स्थापना करी, जिसके अंतर्गत कोविड के टेस्ट होते थे। तो हमारा MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी स्टाफ है, टेक्निकल फील्ड वाले स्टाफ है, बायोटेक्नोलॉजी जिन्होंने कर रखा है वो स्टाफ है, जिनको राज्य सरकार ने आमंत्रित किया कार्यों के लिए, और उन्होंने हमसे वादा किया था कि देश में जब तक कोरोना चलेगा, राज्य में जब तक कोरोना चलेगा, आप लोगों को सेवाएँ देनी है। तो हम सभी लोग जो प्राइवेट फील्ड में सेटल थे, वो जॉब छोड़ करके राजस्थान सरकार ने हमको याद किया, और देश हित में जो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका को, चिकित्सा मंत्री से इस बारे में हमारी बात हुई तो चिकित्सा मंत्री ने कहा कि आपके जो कोरोना है देश में खत्म हो चुका है, इसलिए आप लोगों को हटा दिया है, और जब जरूरत होगी तो वापस बुला लेंगे। तो इस तरह से हमारी मांगे यह थी कि जब तक कोरोना चल रहा है तब तक हमारे को आप रखेंगे कार्य में।